इस वक्त फ्रेम में मेरे साथ डॉक्टर कुमार राजा हैं। कुमार राजा को महानगर रांची कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे पहले आपको बधाई बहुत और सवाल ले धन्यवाद संजय भाई। सवाल ले है कि डॉक्टर साहब, दो दिन पहले ही आपको डॉक्टरेट की भी उपाधि मिली है, अब एक नई जिम्मेवारी आज से मिल गई, इसको कैसे संभालेंगे, प्राथमिकताएँ क्या क्या होंगी? देखिए, 2006 में ही रांची अनिस्वाय का महानगर अध्यक्ष बना था। 2008 में मैं रांची विद्यालय का अध्यक्ष बना। 10 में पहला चुनाव लड़के झारखंड प्रदेश अनिस्वाय का अध्यक्ष बना। 2012 में यूथ कांग्रेस का रांची का अध्यक्ष बना। 2012 में ही राहुल जी ने सीधे राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेवारी दी अनिस्वाय में। फिर चुनाव हुआ, देश भर का उपाध्यक्ष बना, कुछ वोटों से रह गया था। राजीव गांधी पंचायती राज में काम किया, झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा, इलेक्टेड प्रवक्ता रहा 3 साल। अभी ऐसी संयोजक की जिम्मेवारी थी, आज ये जिम्मेवारी मिली है। सालों से यहाँ राजनीति कर रहा हूँ, जनता के नब्स को समझता हूँ, जरूरत को समझता हूँ, मिजाज को समझता हूँ, कांग्रेस के नेता क्या चाहते हैं, कार्यकर्ता क्या उम्मीद करते हैं मुझे पता है। मैं विश्वास दिलाता हूँ नए तेवर के साथ, नए जोश के साथ, और कांग्रेस की विचारधारा और जनता के मुद्दों पर बात होगी, उन पर काम किया जाएगा। आपको जिस जगह की जिम्मेवारी मिली है, उस जगह पर बीजेपी की कब्जा जो है लंबे अरसे से है, बीजेपी के ही विधायक हैं यहाँ पे रांची से, तो कुमार राजा के लिए चुनौतियाँ बड़ी है। एक तो संगठन के भीतर संगठन को मजबूत करने की, प्लस आम जो नागरिक है उस तक पहुँचने की। देखिए, किसी भी सरकार का ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है कैसे आप आखिरी व्यक्ति तक सरकारी सुविधाओं को पहुँचाते हैं। हमारा यह प्रयास रहेगा, चूँकि हम सरकार में हैं, यहाँ के नौजवानों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, जितने योजनाएँ आती हैं उनके लिए हम घर घर तक पहुँचाएं, उनकी जानकारी कैसे लोगों तक जाए और लोगों का काम भी करवाने का प्रयास करें। और अगर इन मुद्दों में, इन जानकारी में देने में, और अगर उनके अधिकार को दिलाने में कहीं कोई समस्या आती है, कहीं अपने लोगों से भी, अपनी सरकार से भी अड़ना पड़े, तो हम अड़ेंगे, लड़ेंगे और लोगों को उनकी अधिकार दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, ये जो सरकार है अभी मौजूदा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और उनकी सरकार में आपकी भी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन है जी। एक जो पूरे राज्य में जो युवाओं को जो उम्मीद थी, वो अब निराशा में तब्दील होते जा रही है। आप खुद युवा हैं, आपको मौका भी मिला है संगठन के भीतर, तो आप अपनी बात कैसे सरकार तक पहुंचा पाएंगे, दबाव कैसे बना पाएंगे, इसको लेकर के भी कुछ सोचे होंगे आप? देखिए, शुरू से छात्र राजनीति किया हूँ, युद्ध की राजनीति किया हूँ, तो उनसे विषय लगा हुआ है। जो हम भी थोड़ा बहुत जो हमारा की क्षमता है वो उन्हीं नौजवान युवाओं के कारण है। तो मुझे लगता है कि खासकर अगर झारखंड राज्य की बात करें, तो यहाँ पर मोदी को रोकने का काम युवाओं ने किया था। बहुत उम्मीद के साथ, बहुत विश्वास के साथ इस सरकार को, यूपी की सरकार को, गठबंधन की सरकार को, यहाँ के जनता ने, युवाओं ने मौका दिया था। और लगातार सरकार बनने के बाद से हर तबके के लिए प्रयास कर काम करने का प्रयास किया जा रहा है, अधिकारों को देने का प्रयास किया जा रहा है। देखेंगे, लगातार भाजपा कहीं ना कहीं इन प्रकार कभी ईडी, कभी सीबीआई का हथकंडा अपनाकर, कभी खरीदने का प्रयास करके सरकार को रोकने का प्रयास कर रही है। चूँकि इन्हें पता है जिस तरह से जनता की भावनाओं को ध्यान के भावना के अनुकूल काम किया जा रहा है, आने वाले दिन में ये गठबंधन या इतिहास रचने वाली, और 15-20 साल तक इनको मौका नहीं मिलेगा। आप निश्चित रहिए, युवाओं के मुद्दे की अगर खासकर बात करें, अगर इनको कहीं परेशानी होगी, इनकी भावनाओं इनके के अनुकूल, इनके जरूरत के अनुकूल काम नहीं किया जाएगा, तो अपने लोगों से भी हम भिड़ने का काम करेंगे और सरकार में भी हम लोग बात करके, भिड़ के, अड़ के इनके अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। मतलब आप राज्य के युवाओं को ये भरोसा दिला रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो आप अपनी ही सरकार के खिलाफ भी सड़क पर उतरेंगे, दबाव बनाएंगे? अगर सही मुद्दों पर नौजवान खड़े रहेंगे और हमें चुनना पड़ेगा, तो हम हमेशा नौजवानों के साथ, रांची की जनता के साथ आपको खड़े मिलेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप कुमार राजा को सुन रहे थे, जो यह बोल रहे हैं कि वो भले ही और उनकी पार्टी सरकार में शामिल है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी वो युवाओं के साथ और जनता के साथ खड़े नजर आएंगे। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलियेटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in like share and subscribe www